हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तानिया साटरे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो 500 प्राइस में आपको बहुत अच्छे पार्टी वेयर कुर्तीज़ कलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्लू कलर में हमारी कॉटन फैब्रिक वाली कुर्ती, आपको इसको मैं खोल कर दिखाती हूँ। इस कुर्ती पर आपको सेल्फ कलर में पूरा थ्रेड वर्क किया गया है। सेल्फ कॉम्बिनेशन थ्रेड वर्क के साथ आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन के भी थ्रेड्स और चमकी वर्क भी किया गया है। इस मटेरियल में आपको और भी 5-6 ब्यूटीफुल कलर्स अवेलेबल में है। मटेरियल का विड्थ भी आपको काफ़ी दिया गया है, बहुत चौड़ा है, तो आप डबल एक्सल साइज तक भी आप इसको स्टिच करवा सकते हो। कॉटन मटेरियल पर इस तरह का वर्क आपको हेवी लुक दे रहा है, तो छोटे मोटे फंक्शंस या फिर अकेशंस पे आप आराम से पहन सकते हो। और फ्रेंड्स, इसका प्राइस भी मुझे रिजनेबल लगा। देखिए चमकी वर्क, आपको कितना अच्छा वर्क यहाँ पे दिया गया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो। अगर आपको ये मटेरियल परचेस करने के बाद पसंद नहीं आया तो रिटर्न ऑप्शन है, आप रिटर्न भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, ये है ड्रेस का बैक साइड। बैक साइड पूरा एकदम प्लेन है, पीछे की ओर भी लाइट से अगर वर्क होता, बूटा वर्क या कुछ, तो अच्छा होता। ओनली कुर्ती के फ्रंट साइड ही हमें वर्क दिया है। तो इसका बॉटम है फ्रेंड्स, ये बॉटम भी एकदम प्लेन है, आपको किसी भी तरह का वर्क या फिर लेस कुछ भी नहीं है, एकदम प्लेन है। बॉटम क्लॉथ का लेंथ आपको 2 मीटर्स दिया गया है। तो ये है इस कुर्ती का दुपट्टा, ये देखते ही मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका विड्थ और लेंथ भी काफ़ी दिया है, 2.5 मीटर्स का दिया है, और आप देख सकते हो नेट फैब्रिक में हमें मिला है। इस दुपट्टे की नेट क्वालिटी भी अच्छी है, और इस पर थ्रेड वर्क दिया है, कोई इस तरह का वर्क किया है, नीट वर्क है। पूरे दुपट्टे पर आपको इस तरह की लेस लगाई है। 499 इतने रिजनेबल प्राइस में आपको क्वालिटी भी इस मटेरियल का अच्छा दिया है, तो आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हो। अगर पसंद नहीं आया और रिटर्न ऑप्शन है, तो आप इजी से रिटर्न भी कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे मटेरियल के ओर। ये हमारा दूसरा मटेरियल है, वाओ, ये तो पिस्ता ग्रीन कलर में है। कुर्ती और दुपट्टे का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। मैं अभी आपको इसको जूम करके अच्छे से बताती हूँ। आपको इस तरह का वर्क दिया है नेकलाइन पे, ब्यूटीफुल पैरल वर्क है। इसका वर्क मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, सिंपल नेकलाइन दिया है, और आपको पूरे ड्रेस पे इस तरह के गोल्डन लाइंस आए हैं। ये जो ड्रेस मटेरियल पर आपको गोल्डन कलर के लाइंस दिख रहे हैं ना, ये लाइंस आपको बहुत अच्छे शाइन भी कर रहे हैं, और ये गोल्डन चिक्स आपके ड्रेस पे फ्रंट एंड बैक बोथ साइड दिया है, तो आपका ड्रेस हेवी लग रहा है, प्लेन नहीं लग रहा है, वो अच्छा लगा मुझे। इस मटेरियल में भी आपको 3-4 कलर्स मिल जाएंगे। बॉटम आपको सैटिन क्लॉथ में दिया है, नेवी ब्लू कलर, 2 मीटर्स के लेंथ में आपको इसका क्लॉथ मिलता है। पिस्ता ग्रीन के साथ नेवी ब्लू कलर अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये देखिए सैटिन क्लॉथ की क्वालिटी, ये भी अच्छी लगी मुझे। कुर्ती आपको सिल्क फैब्रिक में दिया गया है, तो आप इसको कॉटन फैब्रिक लगा कर स्टिच करवाइए, उससे आपकी कुर्ती स्टिफ लगेगी और लुक वाइज भी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये मटेरियल परचेस करने के बाद पसंद नहीं आया तो रिटर्न ऑप्शन है, आप रिटर्न भी कर सकते हो। ये है हमारा दुपट्टा, बनारसी दुपट्टा दिया गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। दुपट्टा काफ़ी हेवी लग रहा है, आई थिंक इस ड्रेस को इस दुपट्टे से ही लुक बहुत अच्छा मिल रहा है। अगर आप चाहो तो दुपट्टे के दोनों कॉर्नर्स पे लटकन वाले लेस भी लगा कर इसको और भी हेवी बनवा सकते हो। ये है इस ड्रेस का पूरा कॉम्बिनेशन, इस तरह का हेवी दुपट्टा और सिंपल नेकलाइन के साथ पिस्ता ग्रीन वाला कुर्ती, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और रिजनेबल प्राइस भी लगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं विटामिन सी और ई सीरम के बारे में। ये सीरम आपको सनटैन से बचाने में काम करता है, जिससे आपको आसानी से हाइपरपिगमेंटेशन कम करने में आसानी हो जाती है। एक फेयरनेस सीरम है, अगर आप इसको लगातार यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन की वाइटनेस बढ़कर ब्राइट भी लगेगी। ये सीरम ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, बट आपको इसको लगाने के बाद चेहरे पर पिंपल्स आना, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो इसको लगाना बंद कर दीजिए,
क्योंकि सबका स्किन एक जैसा नहीं होता, कुछ लोगों का स्किन बहुत डेलिकेट होता है। एक ऐसा सीरम है कि जो आपकी स्किन को सॉफ्ट और फ्रेश रखने के साथ साथ पोर से गंदगी निकालता है और डार्क स्पॉट कम करने भी आपको बहुत मदद करता है। आप इसको डायरेक्ट स्किन पे लगा सकते हो या फिर एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो विटामिन ई लगाने के 15 मिनट बाद ही अपने चेहरे को धो लीजिए। ऑयल आसानी से अप्लाई करने के लिए आपको इस तरह का पिलर भी दिया है। कुछ लोगों को आँखों के नीचे काले से घेरे आ जाते हैं। आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स कम करने में या और हाइपर पिगमेंटेशन कम करने में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका। उसके लिए आपको रात को सोने से पहले विटामिन ई सीरम की कुछ बूंदें चेहरे पे और आँखों के नीचे हल्के हाथों से मसाज करनी है और दूसरे दिन ठंडे पानी से धो लेनी है। 10 या 15 दिन आपको लगातार इसको लगाना है। एक या दो दिन में आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, तो आप भी इसको यूज़ करके देख सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। तो ये है फ्रेंड्स आज का वीडियो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।